आसमानों पर नजरें रखने वालों के कदम अक्सर लड़खड़ा जाते, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई चोट लगे, समझी? मैंने तो तेरे शोहर को कभी नहीं देखा यहाँ आते जाते। वैसे ये हमारा जाती मामला है, और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। शोहर बशीर। बशीर, तुम इतने अरसे के बाद? वो परेशान क्यों हो रही है? मैं बशीर उसका भूत नहीं हूं। आया बतायरा, ये कौन है? कुरुतले? ओए, मेरी है नी इतनी बड़ी होगी तो मेरे बेटा, मेरी ज्ञान आ मेरी बेटी, अपने बाप के सीने से लग जा। क्या बात है तारा, तुझे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? खैर है, कोई दूसरा निकाह तो नहीं पढ़वा लिया मेरी गैर मौजूदगी में? खुदा ना खास्ता, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस तुम अचानक इस तरह से लव है। तुझे तो शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि इतने सालों के बाद तेरा कामिल घर आया, तू थानेदारों की तरह सवाल कर रही है। मेरा ये मतलब नहीं था बशीर। तो फिर क्या था तेरा मतलब? इनका मतलब था इतना अरसा कहाँ थे आप, और आज अचानक से कहाँ से आ गए? तो मेरी प्यारी बेटी, तेरा बाप आ गया ना, तो सारी बातें एक एक करके बताएगा तुझे। तारा, इसको क्या हुआ? लगता है मेरे बारे में तूने इसके दिल में बहुत जहर भर दिया। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो यार, अब मैं आ गया हूं ना, मैं देख लूंगा तूने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया। वैसे तारा, बड़ी अफसोस की बात है, तुझे मेरे आने की जरा भी खुशी नहीं हुई है? ना तूने खुशी मनाई, ना तूने मेरा इस्तकबाल किया, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मर गया है। अब क्या मैं यहीं खड़ा रहूं? क्या कोई रोटी टुकर ले आ? अब ये यहाँ क्या लेने आए? उन्हें कहीं यहाँ से चले जाएं। आहिस्ता बोल, वो सुन लेगा। सुनते हैं तो सुन ले। क्या हो गया तुझे? तेरा बाप है वो, और उसकी इज्जत करना तेरा फर्ज है। उन्होंने अपने कौन से फराइज निभाए हैं जो हम निभाए? और क्यों आए हैं वो यहाँ? हमें उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं यहाँ से चले जाएं। देख मेरी बात सुन, हमने अपने घर से कभी किसी मेहमान को भी लौटाया? और वो तो तेरा बाप है, शौहर है वो मेरा, मैं कैसे उससे कह दूं कि घर से निकल जा? शौहर? My foot. देख बेटा, गुस्सा जाने दे। इस वक्त अगर वो वापस लौट ही आया तो हमें मिलकर उसका खैर मकदम करना चाहिए ना। वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कितनी भोली हैं आप, उनकी बातों से अंदाजा नहीं हुआ आपको? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि उन्हें अपने किए पे नदामत है या शर्मिंदगी है। कुछ भी, उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है ना, अगर हम भी उसी तरह उसके साथ करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? जाने दे गुस्सा, चल मेरे साथ मिलके अपने बाप के लिए खाना बना। चल मेरी बच्ची। तारा, हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, और कुछ सिखाया भी है इसको? ये तेरी तरह फोड़ी है? नहीं, माशाल्लाह सारे घर के काम कर लेती है,
और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही है। यूनिवर्सिटी में इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मेरी कुरुतलहन बहुत लायक है, स्कॉलरशिप मिला है उसे, इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वरना मेरे पास इतने पैसे कहाँ। मेरी बेटी है ना, लायक तो होगी। नहीं हूं मैं आपकी बेटी, मैं सिर्फ अपनी अम्मी की बेटी हूं जिन्होंने मुझे बाल पोस के बड़ा किया, मेरी हर खुशी में, मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया, अपनी सारी जवानी मेरे बचपन पे कुर्बान करती। और आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए, एक ये घर ही था ना, उसे भी गिरवी पे रख दिया। कुछ नहीं लगते आप मेरे निकोल के बॉयफ्रेंड मौसम जी। ये सिखाया तूने इसको? मेरे खिलाफ कर दिया मेरी बेटी को, मैं तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नहीं बशीर, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं समझाती हूँ इसे। अब मैं समझाऊंगा, तू क्या समझाती है? कहती थी ना ये बदल गए, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। कौन आ गया? मैं देखती हूँ। ठहरा, सुन, बाहर कोई भी हो मेरा पूछे तो कहना वो यहाँ नहीं है, कहना वो आते ही नहीं है यहाँ। मैं जाती हूँ। नहीं, तुम अकेली क्यों जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। अरे तू चौंचले, छोड़ उसको, जाने दे, तू जाएगी ना तो वो शक करेंगे कि मैं अंदर ही हूँ। जा। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्यों? हमें बशीर नामी एक मुलजिम की तलाश है, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए। देखिए मैडम, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको पता है तो हमें बताइए। जी वो अंदर है। तेरी बेटी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ तेरी बेटी है, मैं उसे पर्दा जरूर लूंगा। तुमने ये ठीक नहीं किया, बशीर हमें नहीं छोड़ेगा। क्यों फिक्र करती हैं आप, जंगल में थोड़ी रहते हैं हम, पुलिस को बुला लेंगे। तुम नहीं जानती उसे, वो हमसे बदला जरूर लेगा। क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? हमें हमें ये घर अभी छोड़ना होगा, वो जरूर आएगा, बशीर वापस जरूर आएगा, मैं बता रही हूँ ना। तुम अम्मा होश में आए। मैंने हमेशा तुमसे यह हकीकत छुपाई कि तुम्हारा बाप पेशावर मुजरे में उसकी गैर औरतों के साथ ताल्लुकात, आए दिन वो मुझे मारता पीटता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की सजा तुम भुगतो। मैं तो तभी बशीर से तलाक ले लेना चाहती थी ताकि ताकि तुम्हें इस माहौल से दूर ले जाकर तुम्हारी बेहतर परवरिश कर सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं।
फिर एक दिन किस्मत मुझ पे मेहरबान हो गई। बशीर पकड़ा गया, उसे 10 साल की कैद हुई। 10 साल की। मम्मी, ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाया मुझसे? इसलिए कि तुम्हारे दिल में कभी एहसास महरूमी ना पैदा हो, तुम्हें वो सब कुछ मिले जो मुझे नहीं मिला, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले जो मैं नहीं पा सकी। लेकिन मैं नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। मम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मम्मी, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, आपकी वजह से हूं। मम्मी, आप हिम्मत हार जाएंगी तो मेरा क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मी, चाय तो पिलवा दें, देर हो रही है मुझे। भाई, चाय तो तैयार हो रही है। तुम मुझे ये बताओ, हर वक्त जल्दी में कहाँ रहते हो? कभी अपनी माँ को भी टाइम दे दिया करो, मेरे पास भी बैठ जाया करो। मेरी कोई जगह नहीं तुम्हारी जिंदगी में। क्या बात कर रही है अम्मी, मेरी जिंदगी तो आपकी है। खुद ही तो कहती है कुछ पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, तो बस पढ़ता हूँ और क्या। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर तुमसे बातों में कौन जीत सकता है। कहाँ रहेगी चाय? अरे साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इतनी अचानक, बता तो देती। बस बैठे ना, बैठे बैठे। अकेली आई हो? काशिफ कहाँ है? नहीं अम्मी, वो मुझे ड्रॉप करके चले गए, कह रहे थे कि शाम में चक्कर लगाऊंगा। और वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा कुछ दिन आपके पास रहे हूँ। क्यों, क्या हो गया आपकी तबीयत को? ओहो भाई, ऐसी हालत में तबीयत अपसेट हो जाती है। चलो, अच्छा किया यहाँ आ गई। अम्मी वैसे ही बहुत उदास हो रही थी अभी। अम्मी की उदासी का तो परमानेंट हल है मेरे पास। क्या हल है, मुझे भी बताएं। तुम्हारी शादी। अरे वाह, मेरे मुँह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात की है तुमने। बहुत खुश हुआ जा रहा है, मुझे कोई बता सकता है कि शादी होगी किससे? मेरी नंद सोबिया से, और किससे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, इस तरह हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। और ये जो काशिफ हमारी साइमा पर सख्ती करता है ना, अपनी बहन के लिए खुद ही नर्म हो जाएगा। तो फिर क्या ख्याल है जनाब का? अदनान कहाँ खो गए हो? मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। हमारी बात का जवाब तो देते जाओ। फिर कभी बात करेंगे, अभी देर हो रही है मुझे। तो वापस। अम्मी, ये जिस तरह बगैर जवाब दिए गया है, कहीं ये किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है? अरे नहीं भाई, सुबह यूनिवर्सिटी, फिर स्टडीज, फिर शाम को दोस्तों के साथ, उस बेचारे के पास फुर्सत ही कहाँ है जो ये सब कुछ सोचे। तुम फिक्र मत करो, और वैसे भी ऐसी हालत में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, खुश रहा करो। तुम? हाँ मैं, काफी देर से यहाँ बैठा हूँ और वेट कर रहा था कि कब तुम मुझे नोटिस करो। जी, मेरा मतलब है कुछ परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है ना? तुम्हें वहम हुआ, मैं क्यों परेशान होंगी बेटा? अच्छा, ये तुम्हारे लिए लाया था। ये क्या? ये वो नोट्स हैं जो तुमने कल मांगे थे। मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हमारे चेहरे पर परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कैसा है मैं? मैं चलता हूँ।
यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब? कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, नोट्स देने आया था। तो सीधी तरह कहो ना, उससे तो बहुत हंसने वाली थी, मेरे आते मूड ऑफ हो गया। हम तो मुझ पर शक कर रहे हो। तुम पर शक कर सकता हूँ? तो फिर इस तरह सवाल जवाब का मतलब? तो मैं इसलिए पूछ रहा था, तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? वाकई तुम इसीलिए पूछ रहे थे? सच छोड़ो, ये बताओ शायद नजर नहीं आई और यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। तुमने कब से मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दी हैं? अच्छा बाबा, फैमिली मैटर्स की वजह से परेशान। क्या हो, खैरियत? कुछ नहीं, बस वो मेरे अब्बा बहुत अरसे बाद वापस आ गए। ये तो खुशी की बात है, अब तुम मुझे बता रही हो। नहीं अब्बा, ये इतनी खुशी की खबर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। क्यों, क्या बात है, खुलकर बता। आज नहीं, फिर किसी दिन बताऊंगी। अच्छा चलो, कॉफी पीते हैं, सर में दर्द हो रहा है। ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि तू ठीक है। लेकिन हुआ क्या अम्मी? सारा दिन अजीब से वसवसों ने दिल को घेरे रखा कि पता नहीं खुदा ना खास्ता तुझे। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? मुझे क्या होना है, मैं तो रोज यूनिवर्सिटी जाती हूँ। वो तो ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन कल के बाद सब कुछ बदल गया है। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ कि अपनी बेटी को उसके बाप से बचाना पड़ रहा है मुझे। अम्मी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है। अब उसी का तो आसरा है। तो फिर फिक्र की क्या जरूरत है? और वैसे भी कल उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया होगा, बेफिक्र हो जाएं आप। जब अल्लाह पाक ने मेरी गोद भर दी, तब उन्होंने एक नई डिमांड रख दी है। अपनी वजह से मैं अपनी भाई की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। आंखें खोल अपनी, वो लड़की तुझे इस्तेमाल कर रही है, याद रखना इस बात। क्या इस्तेमाल कर रही है? इस्तेमाल करने की रट लगाई हुई।